शुमार दे पुकार, कभी भी गली से मदद लेने को तैयार। गरीबी चलेगी लेकिन परे भी करेंगे नहीं, जले भी तलेंगे लेकिन पटेली रुकेगी नहीं। जहाँ भी चलेंगे बोले हटेला झुकेगा नहीं, क्यों चुकी हटेला है मेरी गली का तरीका सलीका सीखेला है। रोशन चौकट गौली बवाली है, रौनक बॉम्बे की चौली कमाली है, सोबत बहुत ही मोहब्बत वाली, दौलत चौलत जाके कमाले वे बंडा बची बवाल। मर्जी पर छपड़ी चरवे छपड़ी देवे, इसकी टोपी उसी सर आड़ी करवे, जो भी चेपन छापी उसकी बात। मेरे गली में गली 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 में, मेरे गली में गली 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 में, तेरे शूटरों का खास मेरे गली में, अपने शहर की आवाज मेरे गली में। क्या बात है, क्या बात है। अलग हट के बॉलीवुड में, अलग हट के अलग हट के कुछ है, अलग क्या फिल्म है, रैपिंग का बैटल पूरा दिखा दिया उसमें। अच्छा, अलग एक लेवल है रैप का, समझ सकते हो। अच्छा, तो दोबारा दिखाओगे? हां, दोबारा आ रहा हूं, फिर रिटर्न चल रहे 3-4 बार लेके आएगा, किड़ा शो आएगा। रिकॉर्ड तोड़ने वाला, रिकॉर्ड तोड़ने वाला, 110% रिकॉर्ड तोड़ेगा। अरे मचाएंगे। अरे पूरा बात बोलो, कैसी लगी फिल्म? क्या हार्ड, क्या क्यों हार्ड है, क्या खास है? उसमें पूरी स्टोरी बताई है मेजी की। अच्छा। उसने बहुत स्ट्रगल किया है, वो दिखाया हमको। अच्छा, और आलिया, आलिया कैसी लगी? आलिया एकदम सही लगी। और अपना टाइम आएगा गाना, वो तो एकदम ही भारी था, भारी था, एक नंबर पिक्चर थी, फाड़ू थी, मचा दी। और बताओ, और क्या खास है फिल्म में? और पूरी बस, और किसी चैनल को आगे बढ़ाइए। नहीं, ये नहीं बोलना था। अच्छा भाई, कैसी लगी फिल्म बताओ? ऑसम यार, ऑसम। वाह वाह, ऑसम, क्या खास है फिल्म में? एकदम मस्त है, देखने लायक है। अरे कुछ तो भाई, क्या खास है फिल्म में? अरे भाई, पिक्चर बहुत हार्ड बोले तो आग लगा दी ले पूरी को। जाएंगे गाने 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 तो अपना टाइम आएगा, बहुत मस्ती थी। कैसा किसिंग सीन है दोनों में? किसिंग सीन तो बोले तो पब्लिक हार्ड ही है, आलिया भट्ट ने मचा दी। बताइए सर, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी, सब नाच रहे थे अंदर, अपना टाइम आएगा। क्या खास क्या है फिल्म में? फिल्म में एक खास है कि सब गरीबों के बारे में बताए कि कैसे वो आगे बढ़े, और आगे चल के बताए कि है ना, आगे सब लोग को है ना आगे बढ़ने का हक है, और कामयाबी पाने का। कनेक्ट करते हो अपनी जिंदगी से, कनेक्ट करते हो फिल्म को है ना। और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का जो इक्वेशन है वो कैसा लगा? बहुत मस्त लगा, एक नंबर। किसिंग है, दोनों में किसिंग है, 2-3 बार है। और इसमें ये जो है कल्की में, कल्की और आलिया में, कल्की और इसमें रणवीर में, हाँ वो भी है, वो भी है, वो भी 2 बार है ना। अच्छा। 2 बार मजा मजा आया, मतलब टोटल पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल, एक नंबर। 100 की टिकट 200 में लेके हम, एक नंबर मजा आई पिक्चर में, एक नंबर पिक्चर थी। भाई तो थिएटर में नाच रहे थे सब लोग, तो क्या कहना चाहोगे, कितना इमोशनल हुए, हंसे, क्या मजा आया, म्यूजिक एंजॉय किया? मालूम पड़ता है कैसे इस्लाम एरिया से बनते लोग अपने टैलेंट से। तो टैलेंट की बात करें तो ये अलग तरह की फिल्म लगी आपको, जो फिल्म देखते हो उसको अलग लगी? बॉलीवुड में अभी नई फिल्म आई है। अच्छा, और जो रैपर का जो दिखाया है, तो कितना जरूरी है ये सब चीज दिखाना फिल्म के माध्यम से? जरूरी तो है, और भी लोगों को मतलब मौका मिलता है, एक स्टेज बनता है। तुम कितने बड़े फैन हो रैपर, जो दोनों रैपर हैं अभी, मेरा तो डिवाइन और कहानी से बनता है, बहुत अच्छा लगा मूवी भी देख के, और मूवी तो एक नंबर 250 में थी। क्या खास है फिल्म में? क्या खास है फिल्म में? खास रणवीर की एक्टिंग, नेजी और डिवाइन की स्टोरी जो कैसे ऊपर आते हैं, एकदम भारी। अच्छा, और बाकी जो इक्वेशन है आलिया और कल्की, आलिया और कल्की और रणवीर का, रणवीर और आलिया केमिस्ट्री एकदम बेस्ट है, एकदम मस्त। अच्छा, और बाकी जो स्टोरी लाइन है इमोशनल है काफी, इमोशनल है कि वो बहुत गरीब रहता है, फिर वो बड़ा बनता है, उसके लाइफ में किसी किसी प्रॉब्लम आते हैं, उसके डैड उसके लिए करते हैं, मतलब उसके
क्या बोलते हैं जैसे ऊपर आते हैं वो एकदम मस्त थे। और डायरेक्शन पार्ट तो जोया एक्टर एकदम बेस्ट है, उसके पहले भी सब मूवीज देखे है, इसमें भी उसने रणवीर का एकदम कैलिबर एकदम बड़ा दिखाया है। रणवीर किस कैरेक्टर है वो मालूम पड़ जाता है और रणवीर अभी सुपर स्टार बन गए हैं। मैडम मैडम कैसी लगी फिल्म प्लीज? Why too good? क्या क्या रीजन? रणवीर तो टू टाइम वाले दोबारा देखोगी क्या फिल्म को? फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, मज़ा आ गया। वॉइस ओवर क्यों, रीजन क्या है? अ मस्ट वॉच फिल्म बिकॉज ऑफ रणवीर सिंह, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ऐसे ही लग रहे हैं वो नेचुरल रैपर है, ऐसे नहीं लग रहा है कि इज एन एक्टर, एकदम नेचुरल लग रहा है कि वो रैपर है और रैप करने के लिए पैदा हुए हैं। व्हाट अबाउट आलिया? आलिया भट्ट इज वेरी गुड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस बाय आलिया भट्ट, तो दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और सपोर्टिंग एक्टर्स भी बहुत अच्छे लगे, लाइक कल्की है, विजय राज है, वो लोग का भी काम बहुत ही अच्छा लगा। आउट ऑफ 5 स्टार्स? 4.5 स्टार्स। इज अ वन टाइम वॉच, टू टाइम वॉच? इट्स अ टू टाइम वॉच, खास करके यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि रैप और वो सब यूथ बेस्ड फिल्म है तो यूथ को बहुत ही पसंद आएगी ये फिल्म, और बेसिकली एक अच्छा सा मैसेज भी है उसमें कि कभी भी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए, यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन। प्लीज सर, इट वॉज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों खास नजर आई? खास इसीलिए क्योंकि ये स्क्रीन रैपिंग को सपोर्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ भाई अच्छे वर्ड्स है, बट इट इज़ शोइंग द रियलिटी, जो सच्चाई है वो निकलती है, दैट इज़ रियल स्ट्रीट रैपिंग व्हाट दे आर शोइंग इन दिस मूवी, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अ लॉट, एंड सेलिब्रिटी लाइक रणवीर सिंह सपोर्टिंग, सेलिब्रिटी लाइक रफ्तार सपोर्टिंग, सच अ थिंग इज रियली अमेजिंग। एंड व्हाट अबाउट आलिया एंड कल्की? कल्की का एक्टिंग शी वॉज माई फर्स्ट क्रश आई वुड से, जब मैंने उनको पहली बार देखा था कल्की को। आलिया भट्ट का एक्टिंग मुझे ये मूवी बहुत अच्छा लगा कंपेरेटिवली टू अदर मूवीज, एंड शी प्लेड द रोल, जो कैरेक्टर उसको दिया था आलिया को, शी प्लेड दैट पार्ट। व्हाट आई वुड से, एक नया ट्रेंड लेके आएगा, एक नई डिफरेंट स्टोरी लाइन बॉलीवुड में? यस ऑफकोर्स, दिस कैन बी अ न्यू जॉनर ऑफ मेकिंग मूवीज बॉलीवुड, अदरवाइज कैसा है, भले से ड्रामा हो, मारपीट हो, एक्शन हो, यू कैन प्रेडिक्ट द स्टोरी, नेक्स्ट मूव की क्या रहेगा, बट दिस इज समथिंग न्यू। तो वन टाइम वॉच, टू टाइम वॉच? आई कैन वॉच इट 10 टाइम्स इन अ डे, इट इज नॉट लाइक वन टाइम मूवी, इट्स अ गुड यू नो मैसेज टू पीपल टू लर्न, गुड मैसेज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन नीड्स एंड सपोर्ट देयर नीड्स इन फैक्ट। थैंक्स सर। हाउ वाज द फिल्म? फिल्म कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी। क्या खास है फिल्म में? रणवीर एंड आलिया। और व्हाट अबाउट कल्की? कल्की कुछ नहीं, क्या कहना चाहोगे कि क्या खास, मतलब क्यों डिफरेंट है फिल्म? मतलब रैप एंड ऑल बहुत अच्छा था। अच्छा, और रणवीर का एनर्जी लेवल कैसा है? एनर्जी लेवल बहुत अच्छा, बहुत एक्टिंग लेजेंड। और बाकी जो एक्टर हैं और भी हैं, विजय राज हैं और भी एक्टर्स हैं उसमें, हाँ वो सब अच्छे थे। अच्छा, तो टू टाइम वॉच है ये फिल्म? टू टाइम वॉच है ये फिल्म दो बार देखोगे? अरे देखूंगा अभी तो मोबाइल पे भी लूंगा मैं। बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, क्या पूरी गली के ऊपर से पिक्चर है, यहाँ के झोपड़पट्टी के ऊपर से पिक्चर है, ऐसा पहले कभी ऐसी कोई मूवी बनी नहीं रैप लोग के लिए, और इन लोग के वीवियन डिवाइन और निजी की वजह से रैप स्टार्ट हुआ है, हमारी इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ है, बाकी सब तो बाद में है, वो नहीं बोल सकते, बाकी पिक्चर बहुत अच्छी है। मैम आप बताइए, आप लोग देखिए, जरूर देखिए, बहुत अच्छी, बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास है, फिर भी वो जो था सीन दिखाया उसने, कैसा लगा कि हाँ हमारे लायक थी मूवी, बहुत अच्छी, 100 स्टार भी कम है उसके लिए। मैम क्या करना चाहेंगे प्लीज़ सर? क्या खास है फिल्म में सर? एटीट्यूड और हीरो। अच्छा, और स्टोरी लाइन बेस्ड ऑन गुड मूवी आई गेस। आलिया भट्ट के बारे में बताइए, क्या क्या लगे आपकी? बहुत अच्छी है। कल की चीज़ ओके, बट आलिया भट्ट एंड हीरो। ओवरऑल सबसे यूनिक पॉइंट क्या है फिल्म का, सबसे अलग हट के क्या बात नजर आई? यूनिक पॉइंट, इफ़ यू हैव अ टैलेंट, इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट इन योर सेल्फ, सो यू हैव टू गेट इट स्पार्कल्ड अप, ये दिखा रहे हैं। हीरो अच्छा एक्शन। मैम प्लीज किसको बोली? गुड मूवी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगी फिल्म? क्या खास है फिल्म में?
वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा डायलॉग और जो कहानी है वो जो इमोशन नेचुरल डायलॉग अच्छा जो फैमिली स्टोरी है जो इमोशंस होता है बहुत अच्छा अच्छा भाई कैसी लगी फिल्म क्यों कड़क क्या रीजन क्या है फिर भाई एक नंबर आलिया भाई अरे भाई रुक जा रुक जा एक सेकंड रुक जा क्या खास है अरे कुछ खास है गली बॉय हिट एक मिनट ऐसे कहीं भागते नहीं पर लेटर है कहां जाने भागो मत भागो रुको क्यों अच्छी है जो रियल दिखाया है बहुत ही अच्छा दिखाया है अच्छा और जो गाने वाने हैं गाने के बारे में गाने भी बहुत अच्छे हैं अभी यंग जनरेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी सुपर हिट है भाई बताओ कैसी लगी फिल्म भाई बंटा बंटा एम एनी ऑफ दिस व्हाई व्हाई नाइस मूवी व्हाई नाइस मूवी फर्स्ट द स्क्रीन इज रेडी नाइस ओके स्टोरी लाइन इज रेडी नाइस व्हाट अबाउट आलिया एंड व्हाट अबाउट कल्कि दे प्रूव देमसेल्फ आई विल बैक इन अगेन एंड द किसिंग सीन बिटवीन रणवीर एंड आलिया इज टू कॉन्फिडेंस आई टू कॉन्फिडेंस हाउ वाज द फिल्म हाउ वाज आले बॉल गड़ा क्या क्या खास क्या फिल्म है ये बताओ खास क्या फिल्म है इसका स्ट्रगल क्या आ कहां रहा बेटा दादा जी कैसी लगी फिल्म क्या खास है फिल्म में रणवीर का काम कैसा है रणवीर का काम कैसा है आउट ऑफ फाइव दोबारा देखोगे मैम प्लीज हाउ वाज द फिल्म मैम प्लीज व्हाई अमेजिंग मैम प्लीज अरे इधर आओ का गाड़ी का इधर ले ना भाई अरे मैं इधर हूँ नया नया है कुछ नया अच्छा और एनर्जी लेवल रणवीर का 100% 110% एनर्जी आलिया और कल्कि कौन बेटर है आलिया ऑब्वियसली आलिया क्या खास है आलिया की एक्टिंग में आलिया की एक्टिंग बहुत अच्छी है बहुत अच्छी एक्टिंग है पूरे रैपर के ऊपर है मजा आ गया पाँच में से कितना स्टार दोगे क्या खास है पाँच में से कितना स्टार दोगे एक तो एक लड़की स्टोरी भाई वो रेप स्टोरी आपको रहना चाहिए अपने सपनों को पीछे रहना चाहिए जो तक बाबा बोल दिया अगर उसमें जाओ लेकिन तुमको इंटरेस्ट है तो वो मत करो जिसमें तुमको इंटरेस्ट है रणवीर का एनर्जी लेवल कैसा था रणवीर का बहुत सुपर है आउट ऑफ 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 5 स्टार्स टू टाइम वॉच मैं 5 स्टार नहीं देना डेयरी मिल्क से लिया ना It's really nice, amazing. Why so? Sorry? Why so? Because it's based on real life. Like, you can, you know, out of the people staying out there. Yeah. What about Ranveer? Both of the acting for like good, not bad. Yeah. What about Alia? Alia is one of the best movies till now I've seen. Like, her acting in the movie. Yeah. Out of 5 stars? 4.5. 2 time watch, 1 time watch? 1 time watch. एक नंबर मूवी है क्या खास है क्या खास है क्या खास है मतलब मुंबई की भाषा ही खास है अपनी तो आप तो समझ ही रहे हो रैप बहुत अच्छे हैं इसमें और रणवीर सिंह सिद्धांत चतुर्वेदी और वो जो आलिया भट्ट तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के कि एक अलग ट्रैक की फिल्म है एक नया रिवॉल्यूशन फिर क्या पहले कोई थोड़ी रैप के ऊपर मूवी बनी है इतनी और बनाया भी है जोया अख्तर ने तो बहुत अच्छा मूवी बनाया है अच्छा बहुत अच्छी लगी पर्सनली 4/5 सर आप क्या कहना चाहोगे 5 में से 5 स्टार मूवी बहुत अच्छी है और रैप के ऊपर इससे पहले कोई मूवी बनी भी नहीं और शायद बन भी नहीं पाएगी इससे बहुत बहुत अच्छा मूवी बनाया है और डिवाइन और नेजी के ऊपर बहुत अच्छा किया है बहुत अच्छे से रोल किया है रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा काम किया और सिद्धांत ने भी बहुत अच्छे से काम किया है ऐसा रणवीर सिंह को खा गया सिद्धांत ने इतना अच्छा काम किया तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को आउट ऑफ 5 स्टार कितना देना चाहेंगे 2 टाइम वॉच 1 टाइम वॉच 2 टाइम आराम से थैंक्स सर